नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से वादा था कि हम लोग जल्द ही UP SSSC PET की स्ट्रेटजी डिस्कशन वीडियो सीरीज का पार्ट 2 लेकर आ रहे होंगे, जिसमें हम लोग इस बात को समझेंगे कि अंतिम एक महीने का समय जो इस एग्ज़ाम में बचा हुआ है, उसमें हम लोग कैसे अपना जो लास्ट टाइम का रिवीजन है उसको कैसे करें, किस चैप्टर के किस जो है सब्जेक्ट के किस चैप्टर पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, या फिर अगर हम लोग को कुछ रटना ही है तो हम लोग किन चीज़ों को रट के जाएं जो कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएं। तो ऐसी हमारी कुछ कोशिश थी कि हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकें। ध्यान रहे, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी आपका जो हार्ड वर्क है उसका एक सप्लीमेंट्री ही है, उसका आप ये मत सोचिए कि उसका विकल्प है। आपको हार्ड वर्क अभी भी करना है, लेकिन हम आप लोगों को एक दिशा दिखा देंगे ऐसी जिससे कि आप ये समझ सकें कि अंतिम समय पे हम लोग को किन किन चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ लें उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो आप छोड़ के जाएंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक संभावना है कि ये डायरेक्ट आपको वहाँ से प्रश्न मिले, क्योंकि हमारी ये पूरी कोशिश है, हमने बहुत मेहनत से इन एनालिसिस को तैयार किया है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव और टीम का अनुभव इसमें शामिल है, तो एक निचोड़ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, हम अपना एनालिसिस शुरू करें, उससे पहले एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि ये जो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो दी हुई है वो केवल और केवल 1/4 की है, तो नेगेटिव मार्किंग को एक आप लोग हवा मान के ना चलें, ये बहुत ही ईजी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, क्योंकि आप इसको इस तरह समझें, मान लीजिए आपने 70 प्रश्न कर दिए लेकिन आपको 10 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, या मान लीजिए 20 प्रश्न आपको ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि उसमें आपको तीन ऑप्शन जो है गलत लग रहे हैं, या फिर दो ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी में लग रहा हो कि इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन है, तो आपको वहाँ पर वो प्रश्न ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि मान लीजिए आपने 20 प्रश्न किया और 20 में अगर आपके 4 ही सही हुए, केवल 4 सही हुए और 16 के 16 प्रश्न भी गलत हो गए, तो भी आप देखिए कि 16 का जो कंपेंसेशन होगा वो आपका 4 प्रश्न जो सही होंगे उससे हो जाएगा, मतलब आपके 16 प्रश्न गलत हो गए और 4 सही हुए, उसका सेट ऑफ आपस में हो जाएगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और आप काफ़ी संभावना है कि अगर आपके 2 में डाउट है तो फिर आप काफ़ी संभावना है कि आप 20 में से 4 नहीं बल्कि 20 में से 10 सही कर लें। तो नेगेटिव मार्किंग को हवा ना समझें, इसको बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है, ये आपके एक तरह से प्लस पॉइंट ही है कि इसमें कम नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपका पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, वो शासन द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सिलेबस, उसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया है, इसको आप लोग ज़रूर देखें, और मैं अपने टेलीग्राम लिंक जिसका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आपको सिलेबस शासन वाला ही ऑफिशियल सिलेबस मिल भी जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये हमने लिखा है उसको शॉर्ट में, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहले दो हैं, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बेसिकली हिस्ट्री का ही पार्ट है, हिस्ट्री ही है, और हिस्ट्री में आप देखिए कि इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है ये और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन दोनों में कितना अंतर है। लेकिन जो ये आपका है, देखिए इंडियन हिस्ट्री आपका, ये आपका करीब जो है 2500 BC से स्टार्ट होता है, BC मतलब ईसा पूर्व, यहाँ से स्टार्ट होता है और करीब करीब आप मान के चलिए कि 1857 या इसके अराउंड जो है, अगर इसको हम लेते हैं तो ये आपका इतना सारा है, और ये है आपका 1857 से अगर हम मानते हैं या 1885 से मानते हैं, तो ये करीब करीब जो आपका केवल 70-80 वर्ष का ही है। तो यहाँ पे 70-80 वर्ष पढ़ने हैं और यहाँ पे तो जाने कितने 100 साल पढ़ने हैं, मतलब आप जो है ये करीब जो है आपको 4000 साल मान लीजिए, एक मोटा मोटा अनुमान हम लोग रख लेते हैं कि 4000 4200 साल पढ़ने हैं, और इधर केवल 70 साल पढ़ने हैं,
तो इसमें आप ये चीज समझिए कि ये 70 साल का जो इतिहास है वो काफी हद तक मतलब बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। इसका जो आपकी बुक्स में जो भी ये इसका एक पेजेस के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप कोई भी बुक को उठा लेंगे तो इसका रेशियो कम से कम भी होगा तो 6:1 का होगा। अगर ये एक पेज में लिखा है तो ये 6 पेज में लिखा है, ये आपका अगर 10 पेजेस में है तो ये आपका 60 पेजेस में है। तो अब आप ये हमें बताइए, एक जो कॉमन क्लियर इंडिकेशन है वो ये है कि इसमें भी 5 नंबर का आना है, इसमें भी 5 नंबर का आना है। ये जो है कम पेजेस में आप पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा पेजेस में पढ़ लेंगे। ये जो है आपका इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि अभी रिसेंट का है, ये काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत बोरिंग भी होता है। तो एक आपको क्लियर जो साफ साफ देखने को मिल जा रहा है सिलेबस में से आपको प्राइमा फेसी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में अगर पहले पढ़ना हो तो आप ये पढ़ेंगे। ये तो आप सभी लोग एक कॉमन गेस लगा ही सकते हैं। लेकिन दूसरी एनालिसिस अगर हम हिस्ट्री के ही प्रश्नों की करें तो हिस्ट्री के प्रश्नों की अगर हम दूसरी एनालिसिस जब हमने की तो हमने ये पाया कि जो इसमें के जो 5 प्रश्न आए थे, ताज्जुब की बात है कि उन 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न जो है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। मतलब 3 प्रश्न इसमें मॉडर्न से थे। और एक जो दूसरा शिफ्ट था, मतलब पहला शिफ्ट जो था और दूसरा शिफ्ट, 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो दोनों शिफ्ट में एक में 2 प्रश्न आए थे और एक में 3 प्रश्न आए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें जो हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो एक तरीका तो ये है कि हम पूरा एंशियंट से लेके मिडिवल से लेके मॉडर्न तक पढ़ें, और एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ें, यानी कांग्रेस की स्थापना से या फिर 1857 से आप शुरू करें उसको, और उसको जो है आप पढ़ें, ठीक है। 1947 देश को आज़ाद करा दिए, उसके बाद आप दूसरा स्टेप पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री। तो यानी सेकंड प्रायोरिटी पे आप रखिए मॉडर्न हिस्ट्री को। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ या फिर जो आपका इंडियन हिस्ट्री हुआ, इसमें एक एनालिसिस अच्छा और भी है कि ये जो इसकी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि पाठ्यक्रम को, कालक्रम को, जो कालक्रम होता है, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्या पहले घटित हुआ क्या बाद में हुआ। जैसे मान लीजिए कि अशोक पहले हुआ या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले हुए, तो ये एक चीज़ें आपको समझना, या फिर जैसे ह्वेनसांग पहले आया या फाहयान पहले आया, ये चीज़ें समझना, ये जो है कालक्रम कहलाता है। तो इस पे बेस्ड प्रश्न भी इस समय काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये केवल पेट का नहीं बल्कि लेखपाल वाली परीक्षा का भी एनालिसिस है कि ये आयोग यानी UP SSC अपने पेपर्स में क्रोनोलॉजी पे बेस्ड प्रश्न ठीक ठाक पूछ रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि क्रोनोलॉजी पे जो बेस्ड प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत टफ नहीं है, वो बहुत ईजी प्रश्न है, क्योंकि इसमें जैसे उसने पेपर जो उसने पूछा था, तो उसने प्रश्न जो पूछा था उसमें यह था कि आपका इन तीनों में से कौन पहले आया, कालक्रम के उस अनुसार उसको व्यवस्थित कीजिए, और उसमें था कि फाहयान पहले आया या टॉमस रो पहले आया या ह्वेनसांग पहले आया। तो आप समझिए इस चीज़ को, एक पूछ रहा है एंशियंट का, एक पूछ रहा है पूर्व मध्यकाल का, और एक पूछ रहा है मध्यकाल का, इतना ज़्यादा गैप है। जबकि आमतौर पर जब ये जो है बहुत ही ईजी कालक्रम पूछा है, टफ बनाने के लिए वो आपस के आसपास में जैसे विलियम हॉकी कैप्टन हॉकिंस और इनका दे देता आपको, टॉमस रो का दे देता, तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें डाउट होता, पर ये इन्होंने एकदम सरल सा दिया है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। बाकी जो हिस्ट्री के पेपर, जो हिस्ट्री का एक आया है उसमें आप जब पेपर देखेंगे, पेपर ज़रूर देखिएगा, पेपर का भी मैं लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि पेपर में जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री भी पूछा है, ये भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मतलब वो डिटेल में जाके डीप में जाके वो लोग पूछ लिए, उसमें जो सबसे इजी प्रश्न वो बन सकता था वो लोग पूछने की कोशिश किए हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने मैं अगर उसका एग्जांपल आपको देना चाहूं, वैसे हम लोग ने सोचा था कि ये स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, इसी वजह से हम लोग की वीडियो आने में भी थोड़ी देरी हो गई। देखिए जैसे कि एग्जांपल की इंडिका के लेखक कौन थे, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया, इंडियन हिस्ट्री में ही जो मॉडर्न हिस्ट्री प्रश्न था कि आपका जो है सिराजुद्दौला किस युद्ध से संबंधित थे,
तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उस समय का जो है एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी उन्होंने सीधा सीधा एक पक्ष को पूछ लिया है। तो पेपर बहुत सरल था। हड़प नीति का समर्थक कौन था, हड़प नीति किसकी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो ये किसकी थी, तो इस तरीके से धन्वंतरी कौन था, मतलब ये काफ़ी इजी पेपर इन्होंने इसका पूछा है, इंडियन हिस्ट्री का और इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो ये हमारा एक इतिहास को लेके जो हमें आपसे बताना था वो हमने बता दिया कि आपको अगर रिविजन ही करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़िए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और फिर इंडियन हिस्ट्री को, और इन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप अच्छे से ही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये और बता दूं कि अगर हम देखें एक एवरेज तो 10 में से केवल एक ही प्रश्न था जो थोड़ा टफ था, बाकी के 9 के 9 प्रश्न बहुत ही ईजी थे और बहुत ज़्यादा चर्चित, जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले से पूछे जा चुके हैं, केवल वही प्रश्न थे, तो कोई भी नया प्रश्न ऐसा नहीं था। अब हम लोग आते हैं दूसरे अपने जो ज्योग्राफी का है उसका एनालिसिस देखते हैं। तो जब हम ज्योग्राफी का एनालिसिस देखते हैं, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले और क्लियर कर दूं कि जैसा कि हमारी जो एडिटिंग टीम वाले भैया हैं वो कहते रहते हैं कि वीडियो जो है वो शॉर्ट बनाना चाहिए क्योंकि उससे व्यूज ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये वीडियो आपका किसी भी तरीके से शॉर्ट हो नहीं सकता है क्योंकि हमने अगर डिटेल्ड एनालिसिस की है 5-6 दिन का, उसमें हमने समय दिया है, तो हमारा भी यही आपसे अपेक्षा है कि आप अपना अगर जीवन बदलना चाहते हैं, आप इस परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको इतना थोड़ा सा लंबा वीडियो देखना होगा, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए और अब हम लोग अगले पे आते हैं कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एनालिसिस है उसमें क्या है। तो देखिए इसका जब हम लोग ने एनालिसिस किया तो इसमें हम लोग ने पाया कि इसमें सिलेबस तो दोनों का ही दिया है, इंडियन का भी दिया है, वर्ल्ड का भी दिया है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं इंडिया से शिफ्ट 2 में, और शिफ्ट 1 में एक प्रश्न इधर से पूछे गए, 4 इधर से पूछे गए, और दूसरे में 5 इधर से और 0 इधर से। तो आप देखिए ये आपको इसमें से पढ़ना क्या है, पहले क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है आपको ये इंडिया, ये पढ़ना है, और दूसरा इसकी प्रायोरिटी होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। अब अगर हम इसमें भी कहें कि इंडियन ज्योग्राफी जो है, आप कह सकते हैं कि ये तो पिछली बार ऐसा हुआ था, ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस बार भी ऐसा ही हो। तो इस पर मैं एक बात आपको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि आपको जान के सरप्राइज होगा कि लगभग सभी पेपर्स में रेशियो यही होता है, हमेशा आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी ही ज़्यादा पूछी जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। उसका कारण यह है कि इंडियन ज्योग्राफी जानना हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा कारण यह है कि इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछने वाली ज़्यादा होती हैं, और वहीं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछने वाली ज़्यादा होती है। तो जब UPSC का हम लोग देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ठीक ठाक प्रश्न आते हैं, लेकिन जब हम लोग PCS या अन्य किसी भी वन डे एग्जाम को देने जाते हैं तो उसमें हम लोग को यही देखने को मिलता है कि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न हमेशा ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें किन किन चैप्टर्स को हम लोग कवर करें तो वहीं से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे जो हिस्ट्री का जब हम लोग ने डिस्कशन किया था तो हिस्ट्री वाले में जैसे आप इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो नेशनल मूवमेंट तो आपको अच्छे से ही कवर करना है, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें आप देखिए कि आप जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल उन्हीं को कीजिए। जैसे आप जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो मेन चीज़ें थोड़ी बहुत लूसेंट में दी हैं वो कर लीजिए, उसके बाद जो है सीधा वैदिक संस्कृति में जो नदियाँ वदियों के पुराना नाम थे वो सब आप कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर ये जो आपके गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इन दोनों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा देख लीजिए जो मेन है, और बाकी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, और उसके बाद जो है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, और ऐसे एक दो देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय इनकी स्थापना किसने की थी, उनमें जो यात्री आए थे एक दो जो फायान और ये सब थे उनको देख लीजिए, फिर सीधा आप आ जाइए हर्षवर्धन पे, हर्षवर्धन देख लीजिए। तो उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल में देखिए तो पूर्व मध्यकाल में आप लगभग सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा बस संगम युग देख लीजिए और चोल वंश का देख सकते हैं आप। उसके बाद इसी तरीके से आप जब जो अरबों का आक्रमण था उसमें आप जो है मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी देखिए, दिल्ली सल्तनत में आप आइए तो दिल्ली सल्तनत में आप कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए, इल्तुतमिश देखिए, बलबन देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक देखिए, और फिर सीधा आप आ जाइए सिकंदर लोदी पे, ठीक है। तो इसमें आप इतना सारा जंप करके ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे 20 से प्रश्न नहीं पूछे जाने के मतलब पूछे नहीं जाएंगे। एक हमारा मोटा मोटा एनालिसिस है कि जिस हिसाब के प्रश्न पूछे गए हैं उसमें ये काफ़ी हद तक संभावना है कि वो लोग जो मेन मेन टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जो मतलब रीड बिटवीन द लाइंस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में इन डेप्थ पढ़ना है, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप समझिए, ये परीक्षा केवल और केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, इससे आपको कोई वो नौकरी नहीं दे रहे हैं, इससे कोई जॉब आपकी नहीं लग रही है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि इसको एक ऐसा रखा जाए कि उसमें सभी अच्छे से नंबर ला सकें, और मतलब उसमें हम लोग एक छटनी कर सकें जो कम सीरियस बच्चे हैं उनकी। वो आपसे नौकरी नहीं इस बेसिस पे देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हम लोग बहुत कम कम पढ़ के भी, मतलब ये सब टॉपिक्स आपको लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा हमने गिना दिए, लगभग सारे तो गिना ही दिए, तो सारे नहीं गिनाए। अगर हम इसमें ये बताने लग जाएं कि हमने छोड़ा क्या क्या है, तो उसकी लिस्ट इससे बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो इसलिए आपसे यही आग्रह है कि आप पहले इन इन चीज़ों को कर लीजिए, उसके बाद आपके समय, आपके पास समय बचता है तो आप बाकी चीज़ों को भी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में आपके लिए ये रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसी तरीके से जब हम इंडियन ज्योग्राफी पर आते हैं, अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे बात करूं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चूंकि पिछली बार एक नंबर और जीरो नंबर का पूछा गया था, ठीक है, तो इस बार लेकिन हम उसको रिस्क के तौर पे नहीं ले सकते हैं। तो अगर उसकी हम बात करें तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कुछ एक चैप्टर्स हो गए, जैसे एक तो अक्षांश देशांतर वाला चैप्टर हो गया, दूसरा वो जो पृथ्वी की गतियाँ वाला चैप्टर होता है जिसमें आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और जो ये सब डेज के बारे में पढ़ते हैं, अपसौर उपसौर ये सब जो पढ़ते हैं वो हो गया, या फिर आपका ज्वालामुखी वाला जो एक वो कुछ होता है पोर्शन जिसमें कि आप ये पढ़ते हैं कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये वाली ज्वालामुखी कहाँ पे है, विसुवियस ज्वालामुखी या इस टाइप के जो भी, तो वो आपको पढ़ लेना। चट्टान में आपका आग्नेय अवसादी और कायांतरित, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना है। कायांतरित में जो कायांतरण होता है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि महासागरीय धाराएं वाला जो पोर्शन होता है उसको भी आप कर सकते हैं। महासागरीय धाराएं मतलब हिंद महासागर की कौन सी धाराएं थी, सुंडा महासागरीय धारा कहाँ की है, या फिर जो है आपका लेब्राडोर कहाँ की है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग के कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि जो प्रादेशिक भूगोल वाला है वो लूसेंट से आप एक बार उससे गो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन अब आप चूंकि ये समझिए कि पांच में से पिछली बार एक भी नहीं आया था या फिर एक नंबर का आया था, तो उससे आप एक ये मोटा मोटा अंदाजा, और वो भी जो आया था वो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था। अगर मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊं तो अच्छा वो दूसरे वाले पेपर में आया था। तो अब जैसे इसमें आप देखेंगे कि अब इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, और इंडियन ज्योग्राफी में आपको जैसे एक चैप्टर जो सबसे पहला होता है भारत परिचय, उसमें आपको जो है भारत के बारे में बताया जाता है, उसकी देश, उसके राज्य राजधानियाँ और जो उसकी सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती हैं, किससे नहीं लगती हैं, ये सब बताया जाता है, उसको उस चैप्टर को करना है। उसके बाद जो आपका एक चैप्टर होता है पर्वत और पठार मैदान ये सब उसमें होते हैं, तट सीमा कितनी है, वो जो आपका भू आकृतिक प्रदेश के नाम से होता है चैप्टर उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मेजर पोर्शन है सबसे बड़ा कि अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में आता है आपकी नदी झील डैम ये सब जलप्रपात वगैरह ये सब आता है, उस चैप्टर को आप ज़रूर कीजिएगा। वो चैप्टर थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके मेन मेन चीज़ें ही देखना है, और उससे आपका ज़रूर एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर होता है आपका जो वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क इन सब से रिलेटेड होता है, उस चैप्टर को भी आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और इसी तरीके से खनिज वाला चैप्टर है, खनिज को कर लीजिएगा। शक्ति संसाधन एक चैप्टर होता है जिसमें कि आपका उसमें केवल वो देख लीजिएगा जो परमाणु बिजली वाले घर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे नरौरा कहाँ पे है या फिर कल्पक्कम कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, ये इसको आप थोड़ा सा बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। रावत भाटा कहाँ पे है, तो उसके बाद जो है कुछ बेसिक्स आप पर्यावरण और कृषि के देख लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण में भी एकदम जो बेसिक होता है कि मतलब
जैसे आपका हो गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, या फिर जो इससे रिलेटेड कुछ एक संस्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हो गया। अब ये सब चीज़ें देखिए आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आपके पास टाइम बचे उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको और सूचना दे दूं कि आपका जो भी ये पोर्शन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब ज़्यादा हमने बता दिया है, इसको हम कैसे करें, कहाँ पे हम ढूंढें, हमें तो पता है कि हाँ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ी ना ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बस यही ये एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी हम इस तरीके के नोट्स डालते रहेंगे। वैसे तो हमारी जो क्लासेस हैं वो 12 सितंबर से शुरू ही हो रही हैं, और उसमें हम चारों पांचों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, उसमें भी जो भी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें साइंस पढ़ाना है तो साइंस में हम सबसे पहले बायो से शुरू कर रहे हैं, इसी प्रकार से हिस्ट्री है तो मतलब जो भी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम सबसे पहले पढ़ाने को चल रहे हैं। लेकिन हर एक क्लास का एक अपना डेवलपमेंट होता है, उसमें हम लोग जो है कोई हेर फेर बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम आपको अभी आप पेट के लिए 1 महीने में हम सारी चीज़ें करा दें ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग समय समय पे ऐसे नोट्स वो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे जो कि खुद मेरे ही द्वारा बनाया गया होगा, और उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसा देने की कोशिश करूँगा जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो पेट की परीक्षा में है वो फंसा सकें। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला अगर देखते हैं कि इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि आपका सिलेबस से डायरेक्ट जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। यानी सिलेबस में जैसे आपका एक दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड, फ्लड रिवॉल्यूशन जो था आपका, वाइट रिवॉल्यूशन, सॉरी वाइट रिवॉल्यूशन था, तो उसके बारे में वो वहाँ पे मतलब सिलेबस में दिया हुआ है। अब उससे जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि उसके जनक कौन थे वाइट रिवॉल्यूशन के, तो वो प्रश्न पूछ लिया गया। इसी तरीके से जैसे पूछा गया कि 1991 के सुधार जो है वो एक मतलब टॉपिक आपको दिया हुआ था सिलेबस में, और उससे जो सबसे बेसिक प्रश्न हो सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके के वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रश्न एकदम बेसिक वाले पूछे गए थे, और बाकी लेकिन एक दो प्रश्न जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल, एक प्रश्न केवल कॉन्सेप्चुअल था, बाकी सारे लगभग बेसिक ही थे। अब जैसे एक प्रश्न था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो आप सोचिए कि इकोनॉमिक्स में इससे भी बेसिक कुछ हो सकता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये सारे जो है बहुत ही बेसिक से प्रश्न हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि अब हम अगला आते हैं अगर पॉलिटी पे, तो पॉलिटी में देखें कि पॉलिटी में अगर आपको क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में जो एकदम डायरेक्ट प्रश्न होते हैं, जो एकदम बेसिक से प्रश्न होते हैं, वही इसमें भी पूछे गए हैं। ये आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं है कि पहला पेपर था तो इसलिए सब इजी पूछ लिया, अब सेकंड बार से इतना टफ कर देगा कि कोई इसको क्वालिफाई ना कर पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को, वो केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है। ठीक है, तो इसमें अब जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, यानी कि आपका संविधान की विशेषताएं और निर्माण वाला जो एक चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उससे प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एक पिछली बार में 2 प्रश्न केवल उसी चैप्टर थे, अब की बार में भी आपको उम्मीद है कि वहाँ से पक्का प्रश्न मिले ही। उसके बाद जो एक चैप्टर होता है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके, वो आपको वहाँ पे जो Shift 2 हुआ था उसमें 1 प्रश्न मिला था, और Shift 1 में आपको 2 प्रश्न केवल अनुच्छेद से पूछे गए थे। लेकिन एक बात आपको ये और ध्यान रखना है, आप कहेंगे कि वो तो चैप्टर ही काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कुछ महत्वपूर्ण नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होते हैं वो वाले आपको पढ़ने हैं, और वो आपको हम भी प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि बहुत महत्वपूर्ण वाले कौन से हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि अनुच्छेद 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत, या फिर जो अनुच्छेद 40 हो गया, या अनुच्छेद 44 हो गया, ये सब ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, और प्रश्न सीधा सीधा यहीं से मिल गया है। प्रश्न आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब अनुच्छेद जो है वो 53 में क्या, अनुच्छेद 54 में क्या, ऐसा नहीं पूछ रहा है। संसद किसमें है, लोकसभा किसमें है, इस टाइप के वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, या अध्यादेश किसमें है, ये सब बहुत ही फेमस जो मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, वही वो प्रश्न वो लोग उठा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग को इस बार भी कोशिश ये करनी है कि पहले हम लोग ऐसे अनुच्छेदों को पढ़ दें
उसके बाद अगर याद हो सके तो बाकी भी सारे पढ़ दें, ठीक है। और केवल अगर पॉलिटी में देखें तो केवल एक ही प्रश्न टफ था, बाकी सारे प्रश्न इजी ही थे। अब उसमें आपको जो संसद वाला जो चैप्टर होता है, संसद कार्यपालिका वाला, संसद वाले चैप्टर को थोड़ा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो संसद वाला चैप्टर है ये दो जगह पे आ रहा है, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाले में भी आ रहा है, एक तो आपका इसमें भी आ रहा है, और दूसरा आपका ये जनरल नॉलेज वाला जो है, जीके वाला जो पोर्शन है, ये जीके, उसमें भी एक टॉपिक सीधा सीधा दे दिया है लोकसभा राज्यसभा, और पिछली बार में वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इन चैप्टर्स को तो जरूर कर लें, दो दो जगह पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको वो चैप्टर कर लेना है, संविधान का निर्माण वाला कर लेना है, अनुच्छेद वाला कर लेना है, अनुसूचियों वाला कर लेना है, अनुसूची से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और एक पंचायती राज वाला चैप्टर जरूर कर लेना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी अलग से दिया गया, और यूपी ट्रिपल एससी का ऐसा इतिहास है कि वो पंचायती राज वाला प्रश्न पूछे ना तो उनका खाना नहीं पचता है, ठीक है। तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि साइंस का जो था, साइंस के प्रश्न सारे बेसिक थे, एक उसमें थोड़ा स्टफ था, लेकिन प्रश्न जो है वो उसमें बल्कि हम कह सकते हैं कि कुछ एक कॉमन सेंस से भी रिलेटेड थे। जैसे एक प्रश्न आया कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या होती है, नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। तो अब ये अपर लेयर क्या हो सकती है, तो एक ऑप्शन था उसमें एंडोडर्मिस, एक था एपिडर्मिस। तो हम एंडो मतलब अंतश्चर्म लिखा हुआ था, तो अंतश्चर्म अंतर वो समझ में आती है, एंडो अधि, अधि लिखा हुआ था अधिचर्म, तो अधि का मतलब ऊपर होता है, ये पता है, तो इसको आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। इसी तरीके से था कि कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, यानी कैर्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉज, तो कैर्सिनोजेनिक कैंसर से शब्द ही ये बनता है। जब आप मूवी देखने जाते होंगे तो उसमें भी आपको ये सुनने को मिलता होगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है, तो वही इसका आंसर था। नींबू का खट्टा स्वाद किस वजह से होता है, तो सिट्रिक एसिड, ये भी मतलब ये सब कॉमन सेंस वाले प्रश्न थे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो पॉलिटी में पूछा गया था, उसका सबसे बेसिक प्रश्न अगर कोई हो सकता है तो वो यही होता है कि बलवंत राय मेहता वाला, कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो आप समझिए कि आप पहले कोशिश कीजिए कि जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, उनको कवर करने की, उसके बाद आप पूरा सब्जेक्ट करिए। आइडियली वो अपनी जगह है, आप कर भी रहे होंगे, लेकिन अंतिम समय में आप रिविजन केवल इन्हीं को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल जा रहा है। आप एक बार कर लें, दोबारा से इन चीज़ों को कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली अब बात हम लोग करते हैं मैथ्स की। मैथ्स विषय में कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स जो है वो उनके लिए टफ है और इस वजह से हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये केवल और केवल 5 नंबर का है, तो जिनके लिए टफ है उनको भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि 5 में से 3 प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टाइप के पूछे गए थे, ठीक है, वो मतलब सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड आप कह सकते हैं वो थे, ठीक। और इन इसमें से अगर हम आपको कहें कि आप अगर कोई 2 चैप्टर जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो 2 चैप्टर हैं एवरेज, वो 2 चैप्टर हैं एवरेज और परसेंटेज। आप अगर पेट देने की सीरियसली सोच रहे हैं तो आप इन 2 चैप्टर्स को किए बिना नहीं जाइएगा, या फिर आपका अगर तैयार है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। उसका कारण ये है कि आपको ये 2 चैप्टर 2 जगह दिखेगा, एक तो आपको मैथ्स में दिखेगा, और पिछली बार दोनों ही शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इन दोनों ही चैप्टर से 2 प्रश्न तो आपको यहीं मैथ्स में ही मिल गए, और 3 प्रश्न ईजी थे, उनमें इसका भी 1 प्रश्न, तो आपके ये चैप्टर से आपका ये प्रश्न तो हो गया। और दूसरा ये आपको मिलेगा जो ग्राफ एंड टेबल वाला है, ग्राफ और टेबल। ग्राफ्स आते हैं 10 नंबर के, टेबल आती है 10 नंबर की, जो सिलेबस के लास्ट में दिया हुआ है। तो ये ग्राफ और टेबल वाला जो पोर्शन है, इसमें आप देखेंगे कि अगर आप ये 2 चैप्टर आपको आता है तो आप इसके 10 में से 10 प्रश्न हल कर सकते हैं। उसमें 10 में से देखिए वो 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप एक जनरल उसको देख के ही, मतलब आप ग्राफ को देखेंगे उससे ही आप उसको हल कर देंगे। लेकिन
उसके अलावा जब आप बाकी के सारे अगर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। एक बात मैं यहाँ पे और कर दूँ, कह दूँ कि पेट स्ट्रेटजी जो है उसका सबसे आप खास चीज़ समझिए कि ये जो ग्राफ टेबल है, अगर आपको ये 10 में से 10 भी प्रश्न आते हैं तो ये आपके प्रश्न केवल बचाते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो गलत होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग जो इस एग्ज़ाम को देते हैं वो इसमें सभी के 20 में से मतलब 17-18 नंबर सभी के आ जाते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उनके आ जाते हैं। उसका कारण ही यही है क्योंकि ये जो है एक तो बहुत ईजी पोर्शन है, इसको आप जो है 1 से 2-3 दिन में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा पोर्शन है, इसमें बस थोड़ा सा रिवीजन आपको करना है, जिसके लिए मार्केट में ठीक ठाक अगर किसी पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज और ये सब आ रहा है तो उसको आप देख के इसको तैयार कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी इसमें आपके 20 नंबर ये एक तरह से आपको फ्री के मिलते हैं, इधर से 20 नंबर ये ग्राफ टेबल वाले। उसके बाद एक हिंदी का पैसेज आता है, उसमें डायरेक्ट एकदम उसका उत्तर वही पैसेज में दिया होता है। और ये है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें दो ऐसे पैसेज पूछे जाते हैं, ये नंबर भी आपको फ्री में मिलता है। मतलब इसमें आप लोग जो है अगर अच्छा करते हैं तो आपके नंबर, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा दूसरों से, अगर इसमें आप बुरा करते हैं तो आपकी खराब, तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। मतलब ये आपको ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिलाते हैं बल्कि आपकी बस इज्जत बचाए रखते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक है। उसके बाद अगर हम लोग ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स जो ये था वो बात करें, मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद अगर हम लोग अगला देखें कि हिंदी का जो है जनरल हिंदी का जो पोर्शन है, जनरल हिंदी में हम लोग एक चीज़ ध्यान दें कि हिंदी में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स वो वोकैब वाले हैं। वोकैब का मतलब वोकैबुलरी, जो शब्दकोश वगैरह बेस्ड होते हैं वो हैं। और उसमें जो कुछ एक टॉपिक जैसे लेखक और रचनाएं करके दिया हुआ है टॉपिक, वो टॉपिक आप लोग मत छूइएगा क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको अगर आप करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय ज़ाया हो जाएगा और वो आपका तैयार नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। इसी तरह से श्रुति भिन्नार्थक करके है, तो होमोनिम्स शायद बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो टॉपिक भी आप लोग ना चुनिएगा क्योंकि उस टॉपिक को भी करने में वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वो भी। और इस 5 नंबर का जो हिंदी आता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है आपको इजी मिल जाएंगे, बहुत इजी जो प्रश्न होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें भी एक एग्जांपल मान लीजिए ले ही लेते हैं पेपर से, अब जैसे ये पूछा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हम लोग बचपन में अपने मतलब कॉमन लाइफ में भी यूज करते आ रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपको इसका नहीं पता तो भी उसके आप ऑप्शन देखेंगे तो वो भी इतने फनी होते हैं कि उससे आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें दिया है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय, तो ऐसे करके एग्जांपल्स जो इसके ऑप्शंस दिए रहते हैं उससे भी आप इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक प्रश्न उसमें आ जाता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तब उसमें पिछली बार आया था बहिष्कार बाहिष्कार ऐसे करके लिखा होता है, तो वो प्रश्न आपके लिए ईजी हो जाता है। तो 5 में से आप देखेंगे कि 2 से 3 प्रश्न तो आराम से मतलब आपके ईजी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश पे आते हैं, जनरल इंग्लिश में, तो जनरल इंग्लिश में आप लोगों को कुछ दिक्कत आप लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश कई लोगों को कमज़ोर रहती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बात बता दें कि 5 नंबर में से 3 नंबर जो है वो पैसेज के आते हैं। मतलब 5 नंबर की अगर इंग्लिश आनी है, 5 नंबर की आनी है, उसमें से 3 नंबर तो आपके पैसेज में आते हैं, और पैसेज में उसका आंसर जो है वो डायरेक्ट आपके वो लाइन भी खोज लेंगे तो उसी के आस पास आगे पीछे की लाइन जो है वही आपके आंसर की होती है। तो ये सरलतम जो पैसेज होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर आप ये पैसेज वाले को आप देखेंगे कि उसके बाद जो 2 प्रश्न होते हैं वो एक था एंटोनिम का और एक सिनोनिम का, मतलब विलोम शब्द और समानार्थी शब्द उसका था। तो इसमें जो वर्ड आपको दिया गया था ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बल्कि हम लोग की जो डेली लाइफ में यूज होता है वो वाला था। ये ऐसा शब्द नहीं था जो कि इंग्लिश वाले जो मतलब पढ़ते रहते हैं SSC SSC वाले उनसे पूछा जा रहा हो, ये बहुत इजी था। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको 80 के प्लस स्कोर करना है ताकि आपका 90 से ऊपर परसेंटाइल बने, बल्कि 92-93 के ऊपर बने परसेंटाइल।
तो इसलिए जो है वो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे जो वर्ड पूछा गया था वो मैं आपको बता दूं, एक था प्राइड और एक था कीन, ठीक है, तो ये दो वर्ड थे। उसके बाद जो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो रीजनिंग पूछा गया था वो तो बहुत ही इजी पूछ लिया गया था। रीजनिंग में जैसे अब कुत्ता, रेबीज, मच्छर, मलेरिया, इस टाइप का पूछा गया था, ठीक है। और जो आप देख लीजिए पेपर, काफ़ी इजी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। केवल दो प्रश्न जो हैं वो एक मतलब अच्छे चैप्टर्स पूछे गए हैं, जो कि एक संबंध वाला, रिलेशन वाला चैप्टर होता है, और दूसरा जो चैप्टर होता है आपका ये कैलेंडर वाला। तो ये कैलेंडर वाला जो चैप्टर था उससे भी पूछा गया, लेकिन कैलेंडर वाले में जो सबसे बेसिक प्रश्न हो सकता है, जो आप लोग कैलेंडर अगर पढ़े हों तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक प्रश्न होता है कि 2005 को 18 फरवरी को शुक्रवार है तो 2007 को कौन सा दिन होगा, ये ऐसा है जो आपके आप मतलब आप ये इसको 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो इस टाइप का उसमें प्रश्न पूछा गया, ऐसा नहीं कि उसमें जो है बहुत टफ प्रश्न पूछा गया। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। देखिए ये आपका हो गया हिंदी इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद अब देखिए कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे से सब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जीएस अच्छे से पढ़ते हैं, मैथ्स अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि पहली बात कि ये 10 नंबर का है, दूसरी बात कि आप जब ये करंट अफेयर्स को करते हैं तो करंट अफेयर्स जो है आपका कोई भी बुक आप देखेंगे तो वो 30-40-50 पेज की मान लीजिए है, 40-50 पेज की, ठीक है, 40-50 पेज की बुक आती है। लास्ट के समय में जो कंपाइलेशन आता है आप उसको उठा लीजिए, हम कह रहे हैं 60-70 पेज की भी होगी तो भी आप समझिए कि उसको करने की टेक्निक क्या होगी, कि एक तो आप उसको रीड कर जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो है उसका आप सेकेंड रिविज़न कीजिए, और सेकेंड रिविज़न में कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और मतलब इस तरीके से आप जो है उसको जल्दी से एक बार कर लेंगे। लास्ट के 3-4 दिनों में आप पूरा अगर करंट अफेयर्स को भी दे देंगे तो भी आपका ये पोर्शन हो जाएगा। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, जैसे ही इसकी जो लास्ट की कंपाइलेशन वाली बुक आ जाती है वो लगभग अभी कुछ दिन में आने लगेगी, 20 दिन पहले से लगभग आने लगती है, तो उन 20 दिनों में थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिएगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन इसको करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके 40-50 पेजेस में आपका पूरा ये करंट अफेयर्स जो है 10 नंबर का, 10 के 10 नंबर मिल जाते हैं। वही अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप जो है वो 70-80 पेज, 90 पेज पढ़ेंगे तब जाके जो है आपका 5 नंबर आएगा। और दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में जो आप लूसेंट का एक पेज वो करंट अफेयर्स के 4 पेज के बराबर होता है, क्योंकि लूसेंट के जो बुक है उसका साइज ये है, करंट अफेयर्स की बुक ऐसे भी आती है, और अगर बड़े में भी आती है तो उसमें दूर दूर लिखा रहता है, फॉन्ट दूर दूर होते हैं, उसी में चित्र बना रहेगा, कुछ भी बना रहेगा, तो वो उसको पढ़ना आसान रहता है। फिर इसमें काफ़ी सारी फालतू की भी बातें होती हैं, उन चीज़ों को हमें हटाना है, और जो मेन उसकी बातें होती हैं जो शुरू के एक दो लाइन में लिखी रहती है उन चीज़ों को पकड़ना है, तो वैसे ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के बाद अगर हम लोग अगला जो हमारा सेक्टर है वो हम लोग देखते हैं तो वो आता है जीके का। जीके में आप देखिए कि जीके जो पूछी जाती है उसमें उन्होंने जो जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आप ऑफिशियल सिलेबस में देखिएगा, वैसे मैं एक बार आपको पढ़ भी देता हूँ वो टॉपिक्स क्या हैं, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे उसमें जनरल अवेयरनेस करके दिया है कि भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए इसमें जो प्रश्न पत्र आप जब देखेंगे तो उसमें आप ये समझेंगे कि जो डायरेक्ट एकदम सिलेबस में दिया है वही सीधा उठा के जो है एक एक लाइन बाय लाइन वो प्रश्न सीधा वहाँ पे रखा हुआ है, 10 प्रश्न बने हैं और वो 10ों एक एक लाइन से बने हैं। अब जैसे भारत के पड़ोसी देश तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट पूछ लिया है प्रश्न, ठीक है, फिर देश राजधानी मुद्रा, इस पे मुद्रा से रिलेटेड पूछ लिया था, रियाद किस देश की मुद्रा है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब एक टॉपिक था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ लिया है, विश्व संगठन उसके मुख्यालय, तो ये सब जो है इसमें जो भी टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है। उसी में एक टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, तो पर्यावरण वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि पर्यावरण पे जो एकदम बेसिक वाला जो जनरल जीके में पूछा जा सकता है प्रश्न, जैसे दिवस व्यस हो गया वो, तो उसको भी हमें कर लेना है, ठीक है। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो वो मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, जैसे कि आपका हो गया कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है,
ठीक है, या फिर राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, खजुराहों की मूर्तिकलाएँ वो किस प्रदेश में स्थित हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो है उसमें पूछे गए हैं। और ये प्रश्न मतलब बेसिक्स हैं, लेकिन इसमें दो तीन प्रश्न जो है वो टफ भी पूछे गए हैं, तो आप उसको छोड़ना ही मान के चलिए तो भी आपके ठीक ठाक एक हो जाता है। एक हम जनरल अगर देखें कि पूरे पेपर में पिछली बार, तो हम ये पाते हैं कि करीब से करीब जो है 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे जो कि टफ थे। कुछ हालांकि टफनेस का लेवल सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए मतलब और भी प्रश्न टफ होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक हम ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर कहीं पूछे नहीं गए हैं या फिर नए प्रश्न हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे हैं, ज़्यादातर प्रश्न यानी 80 से 85 प्रश्न ऐसे थे जो कि पहले कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, और इसमें ऑब्वियसली बात है पैसेज या वो सब तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन हम परसेंटेज की अगर बात करें तो वैसा जो है इतने प्रश्न ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और जैसे जो पैसेज वगैरह है वो भी एकदम डायरेक्ट था। तो इस टाइप से कुछ आपका पेपर था। बाकी आपका जो सिलेबस में बचा हुआ है वो है आपका पैसेज, हिंदी पैसेज, वो हमने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट रहता है। पैसेज को सॉल्व करने के भी कुछ एक ट्रिक्स होती हैं, आप चाहे आप उसको ये समझ लीजिए जैसे आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप जो है एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, उन पांचों प्रश्न या जो भी हैं उनको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, केवल प्रश्न एक रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पहली बार पैसेज पढ़ेंगे आपको लगेगा कि अच्छा ये कुछ प्रश्न ऐसा कुछ पूछा गया था, तुरंत उसको अंडरलाइन वहाँ पे कर लीजिए, आगे पढ़ते जाइए वहाँ वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि इस टाइप का कुछ प्रश्न था। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें अगर वहाँ पे आसपास में क्या दिया हुआ है उससे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक हो सकता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी कीजिएगा, इंग्लिश के भी पैसेज में, पैसेज के आपको 10 नंबर मिलेंगे, और उसके बाद जो है इसमें आप ये सोचिए कि आप 10 नंबर ला के कोई बहुत तीर नहीं मार लेंगे, क्योंकि 10 नंबर ये जो है वो सभी को लगभग आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले इस चीज़ का, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ और टेबल वाला है, तो उसमें 10-10 नंबर आपके 20 नंबर हो जाएंगे, उसमें आप वो दो चैप्टर्स मैथ के ज़रूर कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पेट का आपका एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये आज समझ चुके होंगे कि कैसे हमें किन किन चैप्टर्स पे इस समय अब ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आपको हिस्ट्री का भी बता दिया, पॉलिटी का भी बता दिया, ज्योग्राफी का भी बताया, और आपका जो ये है मैथ्स वगैरह का भी बता दिया है। तो इससे आप उन विषयों पे ज़्यादा फोकस, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, और हम लोग इसके लिए बहुत ही शॉर्ट कंसाइज एकदम सारगर्भित नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो आपका ये पेपर है ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा मात्र है, इसमें खुद आयोग ने जो लिखा हुआ है, जो शासन द्वारा अप्रूव्ड पाठ्यक्रम है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है क्लियर कि ये सारे के सारे प्रश्न वो NCERT के 10th-12th लेवल से ही होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। इसको कोई एक हवा ना क्रिएट करें, आप टारगेट करें 90+ percentile का, यानी कोशिश कीजिए कि आपके 80+ मार्क्स आ जाएं। अगर आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे आप जो है वो 95 तक या 92, 93 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। और पेट में अगर अच्छा ले आए तभी आप लोगों को आगे मेंस देने को मिलेगा, कोई भी फॉर्म आएगा तभी भर पाएंगे आप। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। अगर अभी तक आप नहीं भी सीरियस हों तो लास्ट के एक महीने भी अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए तो भी आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले डिस्कशन को करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।